हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एंटी एरिदमिक एजेंट्स। स्टूडेंट्स, आज आपको हम एंटी एरिदमिक एजेंट के बारे में बताएंगे जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप ये देख लीजिए कि एरिदमिया क्या होती है। एरिदमिया इज एन एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। एरिदमियाज रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एरिदमिया हमारी होती है जो एबनॉर्मल रिदम, हमारा हार्ट में जो हार्ट का रेट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उनका रिदम फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है। तो इनका रिजल्ट ये होता है कि एबनॉर्मल इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है। इम्पल्स और कंडक्शन दोनों ही हमारे एबनॉर्मल हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम एरिदमिया बोलते हैं। इन कंडीशन के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, अपने हार्ट के जो हमारा रेट होता है, उनका रिदम होता है बहुत ज़्यादा ही एबनॉर्मल होता है, उनको जो कंट्रोल करने के लिए ड्रग यूज़ होती है वो हमारी एंटी एरिदमिक ड्रग्स होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिदमिक एजेंट, इनको हम कई कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इनका सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि ए बी सी तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट ए कैटेगरी होती है द ड्रग ऑफ दिस ग्रुप प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। जो क्लास फर्स्ट ए की जो ड्रग होती है उनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक होता है, जिसमें ड्रग आती है क्विनिडिन प्रोकेनी प्रोकेनामाइट। क्लास फर्स्ट बी में द ड्रग ऑफ दिस ग्रुप शॉर्टेन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, इनका जो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, जिसमें आपकी ड्रग आती है लिडोकेन फेनिटोइन और टोकेनाइट। नेक्स्ट है क्लास फर्स्ट सी नो एक्शन पोटेंशियल, जो क्लास फर्स्ट सी की जो ड्रग होती है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो नहीं के बराबर होता है, इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन नहीं होता है, जिसमें आपकी ड्रग होती है इनकेनाइट एंड इंडेकेनाइट। नेक्स्ट है क्लास सेकंड, क्लास सेकंड में आती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में इसमें जो ड्रग आती हैं प्रोपेनल और मेटोप्रोलॉल। क्लास थर्ड, इसमें जो आपकी ड्रग आती हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाली होती हैं, जिसमें आपकी ड्रग है सोटालाल ब्रिटालियम एमियोडारोन। नेक्स्ट है क्लास फोर्थ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वेरापामिल डिल्टियाजिम निफेडिपिन। मिसलेनियस ड्रग होती हैं जो एट्रोपिन। नेक्स्ट है स्टूडेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हमारी फर्स्ट ए कैटेगरी की ड्रग होती है, इसमें क्विनिडिन होती है। क्विनिडिन इज ए डी आइसोमर ऑफ क्विनिन, इट ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ सिंकोना। ये हमारा डी आइसोमर ऑफ क्विनिन होती हैं, जो कि हमें ये मिलते हैं बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ऑफ सिंकोना से। सिंकोना बार्क होता है जहाँ से हमें ये क्विनिडिन मिलती हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन देख लीजिए। मोड ऑफ एक्शन, क्विनिडिन इज बाइंड टू ओपन एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल एंड प्रिवेंट्स सोडियम इनफ्लक्स। ये हमारा जो सोडियम चैनल होता है ये प्रिवेंट करता है इनवॉल्व मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन्स को। और ये हमारे सोडियम आयन क्या होते हैं, इनके जो सोडियम का हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर हमारे जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं। सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर की सेल से अंदर इंट्रा सेलुलर हमारा मूव करता है, आता है। उसके बाद ये हमारा जैसे ही ये सोडियम चैनल इनफ्लक्स होता है, शोइंग द रैपिड अपस्ट्रोक ड्यूरिंग जीरो फेज, हमारा जीरो फेज मतलब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है हमारा जो इंट्रा सेलुलर जो सोडियम आयन आता है तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इट डिक्रीजेज द स्लोप ऑफ फेज फोर स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है चार फेज में डिवाइड होता है, तो जो हमारा जीरो फोर्थ फेज होता है उसमें हमारा डीपोलराइजेशन कॉज होता है। इनहिबिट पोटेशियम चैनल एंड ब्लॉक सोडियम चैनल्स, ये हमारे सोडियम पोटेशियम दोनों ही चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और हमारा ये जो सोडियम का चैनल होता है ये ब्लॉक होता है। जैसे ही हमारा सोडियम का चैनल ब्लॉक होता है, सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से
ये हमारे हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा तेज, जैसे हमारा सोडियम चैनल, सोडियम आयन जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इंट्रासेलुलर सेल्स में ज़्यादा होता है, तो हमारा एबनॉर्मल कंडक्शन कॉज होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से इनको हमें ब्लॉक करने के लिए ड्रग लेते हैं, जो क्विनिडिन ड्रग हम लेते हैं, तो ये सोडियम को हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक आने में ही, इनको बीच में ही ये रोक देते हैं, नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे सारी प्रोसेस रुक जाती है और हमारा जो हार्ट का एबनॉर्मल रिदम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है या नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्विनिडिन। क्विनिडिन आल्सो डिक्रीज स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्विनिडिन हमारी क्या होती है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करती है। यूरिन यूट्राइन कंट्रैक्शंस, हमारा यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है। वोमिटिंग डायरिया कॉज होती है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट लाइक रिंगिंग इन ईयर्स, वर्टिगो, डीफनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। यूजेस इनका हम यूज़ करते हैं, यूज्ड इन एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ये हमारे जो हमारा एंटी एरिदमिक जो एजेंट होते हैं, जो हमारी एरिदमिया होती है, वो हमारी लगभग दो टाइप से होती है। ये हमारी जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी, हार्ट का जो रेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल होती है, तो हमारी दो तरीके से होती है, एक ब्रैडीकार्डिया होती है, एक टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया में क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज होने लगता है, और टैकीकार्डिया में हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। तो ये हमारे दो तरीके से हार्ट रेट पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हमारा जो एंटी एरिदमिया होता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है ये, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी इम्पल्स जनरेशन, फॉर्मेशन, कंडक्शन जो भी होता है, ये सब हमारे एबनॉर्मल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।